तो डॉक्टर साहब, आज आपने जो है आम आदमी पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र की? हमारी उत्तराखंड, हमारी क्षेत्रीय जनता हमारे साथ है और क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद हमें मिला है और हमें क्षेत्र की जनता की सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं अपने क्षेत्र की जनता का, अपनी 62 विधानसभा जसपुर की जनता का दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से बहुत बड़े जुलूस के रूप में वो यहां पर आए और उन्होंने यहां पर मुझ जैसे कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया। अच्छा, तो चुनाव मैदान में आप किससे फाइट कर रहे हैं? हम चुनाव मैदान में आ गए हैं सबसे। हमारी आवाम ने हमें इतना प्यार दे दिया कि हम लोग भारी बहुमत से, भारी वोटों से आम आदमी पार्टी जसपुर विधानसभा को जीतने जा रही है। नहीं, कांटे की टक्कर किससे मानते हैं, फाइट किससे मानते हैं अपनी आप? सेकंड नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रहेगी। सेकंड नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और कोई संदेश विशेष आप अगर देना चाहें तो बताइए। मैं जसपुर की प्यारी जनता का आशीर्वाद चाहता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने प्यार और आशीर्वाद से मुझे 14 फरवरी को भारी वोटों से जिताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सड़कों पर आवाम का प्यार मिलता है, मुझे पिछले 20 सालों से मैं जसपुर की जनता की सेवा में हूँ। सभी भाई बहन मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं आम आदमी पार्टी का, तो मैं यहाँ की आवाम का धन्यवाद करूँगा आपके माध्यम से। और भविष्य में जो हमारे जसपुर में जिस तरह से रोडवे बस अड्डा तक नहीं है या स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर सुविधाओं से अभी जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है जसपुर विधानसभा में। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तो आने वाले समय में हम इस सब पर काम करेंगे और जसपुर की आवाम को विकास की पटरी पर बहुत तेज़ दौड़ाना है, जसपुर की विधानसभा को उत्तराखंड के मानचित्र में बहुत आगे लेके जाना है। यानी कि यदि जनता ने आपको मौका दिया तो आप विकास कार्यों में जो है किसी प्रकार का कोई लापरवाही नहीं करेंगे ना? बहुत अपनी जसपुर की आवाम का दिल की गहराइयों से मैं हमेशा काम करूंगा, रात दिन 24 घंटे मेहनत करने का मेरा काम है। चलो, धन्यवाद।